नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव सेवन। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। बिहार में कभी भी किसी भी वक्त आचार संहिता का ऐलान हो सकता है। कब आचार संहिता लगेगी यह तो किसी को नहीं पता है, लेकिन बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है और हर कोई अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जो जहां दावेदारी कर रहे हैं वहां तैयारी भी शुरू कर दिए हैं, बूथ लेवल से लेकर अपने विधानसभा चुनाव में जीत तक की तैयारी लोगों ने करना शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारे साथ एक खास मेहमान आज बात करने के लिए मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के टिकट पर या यूं कहें कि महागठबंधन के टिकट पर घोसी में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रवीण शर्मा। प्रवीण जी, स्वागत है आपका बिहार लाइव सेवन में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपका। हमारी पहले जब बात हुई थी तो आपने दावा किया था कि हम घोसी से चुनाव लड़ेंगे। अब जो है आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं घोसी को लेकर? घोसी में विगत 15 दिनों से लगातार हमारे पिताजी गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं और उसका समाधान करने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये मेरी तैयारी है। जहानाबाद के वो घोसी विधानसभा क्षेत्र जहां एक व्यक्ति विशेष परिवार का लोकप्रियता रहा है और उनकी लोकप्रियता कहा जा रहा है कि अब भी कम नहीं हुआ है, ऐसे में प्रवीण शर्मा कैसे चुनौती देंगे? हमें जो आप कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, आप हमारे अभिभावक जगदीश शर्मा जी के बारे में कह रहे हैं, तो वो तो हमारे भी गार्जियन हैं। मैं आज भी उनको अपना गार्जियन ही मानता हूँ, मार्गदर्शक है हमारे। मैं उनको कहाँ चुनौती दे रहा हूँ? वो तो चुनावी मैदान में नहीं है, वो तो विगत 10 साल पहले ही छोड़ चुके हैं, चाहे जिस कारण से भी हो। आज भी अगर वो चुनावी मैदान में रहेंगे मैं कभी नहीं लड़ूंगा। हमें तो उनसे कोई लड़ाई नहीं है। मुझे आशा है आपको पता होगा कि राहुल शर्मा की टिकट करीब करीब फाइनल है। तो राहुल शर्मा जगदीश शर्मा नहीं हो सकते हैं, सर्वप्रथम बात। और एक किसी ना हमको राहुल शर्मा से लड़ाई है और ना हमारे अभिभावक से हमें कोई शिकायत है। ये तो अपने विचार की लड़ाई है। वो जिस पार्टी से हैं वो चुनावी मैदान में है, मैं जिस पार्टी से हूँ मैं चुनावी मैदान में आ सकता हूँ। रह गई चुनाव लड़ना, एक जनसेवा करना, तो मैं जनसेवा के निहत से ही चुनावी मैदान में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ूँ। चुनाव लड़ने के बाद अगर मेरी जीत होती है तो भी, अगर हार होती है तो भी मैं घोसी की जनता का सेवा में अपना योगदान दूँ। इस एसी में बैठकर कैसे जनसेवा होगी सर? आपको चुनाव में जाना है, आप एसी में बैठे हुए हैं या ठंडा ठंडा हवा खा रहे हैं सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखेंगे, विगत 2 दिन को छोड़ दीजिए तो मैं हर गांव में जा रहा हूं, तो गांव-गांव घर-घर तो एसी या रोड पर एसी तो नहीं लगा हुआ है। अब यहां मान लीजिए कि आपके साथ 5 मिनट बैठना है तो ठीक है, एसी पंखा चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ हम गांव-गांव घर-घर पैदल चलने का काम कर रहे हैं और आगे भविष्य में भी करते रहेंगे। वो हमें कहीं कोई धूप कोई एसी हमें कोई रोक नहीं सकता है। हमें जनता सेवा करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, इस चीज़ को आप मान लीजिए। हम भी उतने ही मजबूत हैं जिस तरह से और लोगों ने भी काम करने का काम किया है अपने क्षेत्र में, मैं भी करूँगा। कहाँ से आपको उम्मीद मिली है, किस पार्ट किनके द्वारा ये कहा गया है, या फिर आपको कैसे लग रहा है कि आप रेस में हैं? आप गांव-गांव घूमना शुरू कर दिए हैं तो कैसे आपको पता कि आप रेस में हैं? मैं जिस पार्टी से हूं, कांग्रेस पार्टी, यहाँ जिला अध्यक्ष। आपके दावेदारी मांगी गई है अब तक? कांग्रेस पार्टी ने तो किसी के दावेदारी मांगी ही नहीं है सर। नहीं नहीं, यहाँ से लिस्ट बन के चला गया है, कैसे आप कहते हैं कि दावेदारी नहीं? मीटिंग हुई है, मीटिंग में सबका नाम गया है, जिला अध्यक्ष द्वारा सबका नाम भेजा गया है जिसमें मेरा भी नाम है, और मैंने खुद अपनी दावेदारी पेश की है। मैं अगर कांग्रेस का अच्छा कर्तव्यनिष्ठ कार्य करता हूं तो क्यों नहीं मैं दावेदारी पेश करूंगा? हमको अगर जनता सेवा करना है तो मेरे पार्टी थोड़ी ना हमको कहेगी कि नहीं नहीं कीजिए, वो तो उसे तो सहज स्वीकार है, नहीं ठीक है आप कीजिए,
तो इसी आधार पर मैं भी गया हूँ और मुझे भी आश्वासन मिला है हमारे माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के द्वारा कि नहीं ये अच्छा कार्य करता है, मेहनती कार्य करता है। हाल ही में जब पटना में मीटिंग हुई थी तो उन्होंने अजय कपूर साहब के सामने बोला था कि हमारे जहानाबाद का बहुत मजबूत कार्य करता है, तो उस आधार पर उनके आशीर्वाद पर ही मैं आज घोसी क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ। प्रवीण शर्मा घोसी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं तो क्या क्या लग रहा है, क्या दिक्कत है, किस चीज़ की कमी है, या फिर इस एसी में बैठ के ही सारी चीज़ तय कर ले रहे हैं, क्योंकि आपको देख नहीं रहे हैं हम सर। आप देख रहे होंगे, आप नज़रअंदाज कर दे रहे हैं, मैं मानता हूँ। मैं हर गांव में अभी पूरे घोसी में तो नहीं घूमा हूँ, लेकिन बहुत जगह घूमा हूँ विगत 3 दिन से, चूँकि बहुत ज़रूरी काम था जहानाबाद में, तो मेरे पिताजी घूम रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो वहाँ विगत 10 सालों में जो मुझे अनुभव हुआ, अभी हर गांव को 2 भागों में बांट दिया गया है, 2 भाग 3 भाग बटा हुआ है पूरा घोसी। इसमें चाहे किसी भी जाति का हो, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि पहले गांव एकजुट हो जाए, फिर मोहल्ला एकजुट हो जाए, प्रखंड एकजुट हो जाए, विधानसभा मेरा एकजुट हो जाए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, आपसी भाईचारा सर्वप्रथम जरूरी है। और आपसी भाईचारा बनेगा तभी हमारा विधानसभा विकास करेगा, अन्यथा लोग आपस में लड़ते मरते कटते रह जाएंगे, विकास का तो काम ही नहीं होगा। और ये मुझे 10 साल में अनुभव हो रहा है कि लोगों ने एक दूसरा में फूट डालकर शासन किया और विकास करने का काम नहीं किया। आप कहते हैं कि मैं विकास करूंगा, जब आपस में फूट रहेगा तो विकास कैसे कीजिएगा? नाली बन रहा है, दूसरा आदमी रोक दे रहा है, तो मैं क्या करूँ? तो भाई नाली रोक दिया, चलिए काम नहीं होगा, तो ऐसे विकास नहीं होगा। इसलिए सर्वप्रथम आप आपसी भाईचारा बनवाइए और उसमें मैं पहल करूँगा, कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मुझे अगर पता चल रहा तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ कि आप लोग आपस में मिल जाइए, तभी कोई आपके गांव का, फिर आपके क्या कहते हैं पंचायत का, प्रखंड का विकास होगा। टूट कर रहिएगा, कोई विकास नहीं हो सकता है। तो मैं पहले लोगों को आपस में जोड़ूंगा, उसके बाद विकास की बात लोगों से करूंगा। हाँ, इसमें 3-4 चीज़ हमको नज़र आया है। सबसे पहले तो जो बेरोजगारी है हमारे घोसी में, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, उसको दूर करने का, अभी तो मैं उतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं पूरे घोसी को बेरोजगारी से उठा करके रोजगार में ला दूं, लेकिन अगर लोगों का आशीर्वाद मिला तो मेरा प्राथमिकता होगा कि बेरोजगारी हटाओ। दूसरा प्राथमिकता होगा कि किसानों को हर खेत तक सिंचाई का व्यवस्था होना चाहिए सुनिश्चित, ताकि उनको फीटर मोटर चलाने की जरूरत नहीं पड़े। किसान मेरा खुशहाल होगा तो मेरा देश खुशहाल होगा, ये जरूरी है। बेरोजगारी अगर कमेगी तो देश मेरा खुशहाल होगा। शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरा विधानसभा बहुत पीछे है। हर स्कूल है लेकिन ढंग का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, वो मैं करूँगा। शिक्षा मंत्री आपके विधानसभा के हैं, फिर भी कह रहे हैं कि शिक्षा दुरुस्त नहीं है, 5 साल से शिक्षा मंत्री हैं। वो तो आप खुद देख रहे होंगे कि शिक्षा मंत्री हैं, कितने दिन घोसी में गए, क्या उन्होंने किया, घोसी को छोड़ दीजिए ना, पूरे बिहार में उन्होंने क्या किया शिक्षा के लिए? वो सिर्फ मुहर हैं, वो कुछ करने वाले नहीं हैं। अगर करते तो आज घोसी से उनको भागना पड़ता, कि घोसी की जनता उनको शरमाते और उठा कर रखती। आप कहाँ कैसे कह रहे हैं कि भागना पड़ रहा है, कहाँ भागने की बात है, टिकट किसे मिली है? अभी तो सबको इंतजार कर रहे हैं, वो भी इंतजार कर रहे होंगे। सर, वीडियो वायरल उनके द्वारा हुआ है, वॉइस वायरल सुने होंगे आप भी, मैं भी सुना हूँ, नहीं सुने होंगे तो पता कर लीजिए, सुन लीजिएगा। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है राजनीतिक गलियारों से कि नीतीश जी के सामने उन्होंने हाथ जोड़कर कह दिया है कि मैं घोसी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जो उनका रिकॉर्डिंग है उसमें भी उन्होंने बोला है कि भूमिहार और यादव हमें वोट नहीं देगा। क्यों? आपको भूमिहार ने भी वोट दिया, यादव ने भी वोट दिया, मुस्लिम वोट दिया, कोयरी कुर्मी हर जात का आपको वोट मिला,
और आप आज कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा। आपको तीन तीन मंत्री का पद मिला, इससे बड़ा और क्या होता हमारे घोसी के लिए। अगर आप चाहते तो सबको आपसी भाईचारा में बांध कर रखते और आज लोग आपको माथे पर उठा कर रखता और घोसी से आप निर्विरोध चुनाव जीतते, लेकिन आपको भागना पड़ा। इसी को हमको दुरुस्त करना है। हम यही आपसी भाईचारा में बांध कर और ऐसा प्रयास करेंगे कि मेरा घोसी पूरे बिहार में नंबर वन पर हो। तीसरी बात, स्वास्थ्य। हर जगह आपको छोटा बड़ा हॉस्पिटल मिलेगा, लेकिन उसमें डॉक्टर नर्स कोई कर्मचारी नहीं मिलेगा। मेरे गांव में भी है, ताला लगा हुआ है। अगर आपको एक बुखार भी लगेगा तो उसके लिए आपको जहानाबाद आने की आवश्यकता है। प्रवीण शर्मा कब पहल किए? चुनाव आया है तब कह रहे हैं। प्रवीण शर्मा तो कभी अपने गांव के जो हॉस्पिटल है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन जो है उसके खिलाफ आप कब एक आवेदन दिए, कब उसके लिए पहल किए सर? नहीं, आपकी बात मैं मानता हूं, मेरी भी कमजोरी रही है। जब चुनाव आया तब आपको दिखने लगा सारी चीजें? तो देखिए, मैं जिस पार्टी से हूं इसका कोई अभी जदयू का संगठन है, गति सरकार है, वो कहाँ किसकी सुनती है। हाँ, एप्लीकेशन मैंने नहीं दिया, लेकिन फ़ोन के द्वारा या डीएम साहब से मिल करके मैंने कई एक बार शिकायत करने का कोशिश किया। मैं अपने गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घोसी की बात कर रहा हूँ। तो घोसी की तरह तो पूरा जहानाबाद को ही स्थिति होगा कि स्वास्थ्य का व्यवस्था किया जाए, डॉक्टर का, नर्स का, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ व्यवस्थित किया जाए। अब नहीं किए तो उतना मेरा पावर नहीं था, तभी तो मैं चुनाव में आना चाहता हूँ कि जनता मुझे एक बार मौका दे, हमको आशीर्वाद दे और तब देखे कि कैसे वहाँ डॉक्टर बैठेगा, कैसे वहाँ नर्स बैठेगी, कैसे वहाँ कर्मचारी काम करेंगे, कैसे वहाँ शिक्षक काम करेंगे। तानाशाह कायम होगी? तानाशाह नहीं, जनता की सेवा कायम होगी। क्या स्वास्थ्य में सुधार करना तानाशाह है? शिक्षा में सुधार करना तानाशाह है? गरीब को इलाज अगर नहीं हो और इलाज करवाना अगर आप तानाशाह समझते हैं तो वही समझ लीजिए। मैं अपने लिए मांग नहीं कर रहा हूं, मैं जनता की बात कर रहा हूं। जनता को इलाज होना चाहिए या नहीं आप बताइए। क्या उनको एक बुखार लगेगा तो दवाई लेने के लिए जहानाबाद आने की आवश्यकता है? तो फिर हॉस्पिटल आपने क्यों बनाया? क्यों आपने 4-5-10 लाख रुपया क्यों खर्च किया? क्यों आपने बड़े बड़े बिल्डिंग बना करके स्कूल खोला कि जिससे प्राइवेट स्कूल में ही लोगों को पढ़ाई करना पड़े और गरीब के पास पैसा नहीं है तो घर बैठे रहे? इसमें हम सुधार करना चाहते हैं, जिसको आप तानाशाही कहिए या आपकी इच्छा जो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं करूँगा। प्रवीण शर्मा लगातार विधानसभा में घूम रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं नज़र आई है अब तक जिसे चुनावी मुद्दा प्रवीण शर्मा समझते हैं, या फिर यूं कहें कि जब अगर आपको मौका मिला, आप जीत कर गए, तो उस काम को प्राथमिकता देंगे? देखिए, स्वास्थ्य तो आपको बता दिया, स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठप है, तो वो सिर्फ घोसी का ही नहीं पूरे बिहार का है। लेकिन अगर आपने विगत 10 साल से देखा होगा तो ज़्यादा गड़बड़ी हुई है, तो उसको सुधार करने की आवश्यकता थी, जिसे किसी ने पहल नहीं किया। वो मेरी प्राथमिकता होगी कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम कोई काम कर पाएंगे, तभी हम पढ़ाई भी कर पाएंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, तब आता है सड़क हो गया या और भी बहुत तरह की छोटी छोटी कमियां हैं जिसे दूर करने की आवश्यकता है। अभी आप देख लीजिए, नदी पर पुल बन गया, बहुत अच्छी बात है, विकास हुआ, 2 साल में पुल टूट गया। आज डाइवर्सन भी बना, वो भी टूट गया, आप नहीं जा सकते हैं, या जाना भी होगा तो बहुत घूम करके आपको जाना पड़ेगा। तो एक दूसरे गांव का 0.5 किलोमीटर का अंतर है, लेकिन दूरी हो गया 20 किलोमीटर। एक कमी है, इसको घोटाला कहते हैं, इसको दूर करना है। ये मेरी प्राथमिकता होगी कि काम हो लेकिन अच्छा काम हो। आपने रोड बनाया, 1 साल भी नहीं चल पाया, टूट गया, पुनः बनेगा, तभी तो पैसा आएगा। हम पैसा कमाने के लिए नहीं आना चाहते हैं, पैसा भगवान की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे पास है, जिससे मेरी दाल रोटी चल सकती है। हमें विकास करना है और अच्छा विकास करना है। रोड बनेगा तो कम से कम 5-10 साल उसको चलना चाहिए, ये नहीं कि साल होते होते जो रोड आज देख के गए 6 महीना बाद गए तो गड्ढा नजर आ रहा है, लग रहा है नहीं कि पता नहीं इस रोड में हम आए हैं कि नहीं आए।
ये नहीं होना चाहिए, यही मेरी प्राथमिकता होगी। बूथ लेवल पर जो कमेटी बन रहा है या फिर चुनाव के मद्देनज़र जो काम चल रहा है उस पर पूरे महागठबंधन की भागीदारी आप दे रहे हैं या सारे कार्यकर्ता को आप समेट रहे हैं या फिर कांग्रेस को? जब हम महागठबंधन है तो फिर कांग्रेस की बात कहां से आप कीजिएगा। यहां कांग्रेस का कैंडिडेट सिर्फ हम हो सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन के अंदर। तो अभी तो मेरा शुरू नहीं हुआ है, अभी तो प्रखंड स्तर पर लोग और पंचायत स्तर पर जो सभी पार्टी चाहे राजद के हों, IPF के हो या हमारे कांग्रेस के हो, अपना बना रहे हैं। मेरे तरफ से विगत 2-3 दिन बाद हर बूथ स्तर पर आदमी जाएगा और हर बूथ स्तर से कमेटी गठित होगा। तो विगत 15 दिन के अंदर मेरा पूरा बायोडाटा कंप्लीट हो जाएगा बूथ स्तर तक। प्रवीण शर्मा के नेता कौन, तेजस्वी यादव या कोई और? प्रवीण शर्मा का नेता मत कोई, या महागठबंधन के नेता की बात कीजिए। वैसे तो मेरे नेता तो माननीय सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं, मैं मरते दम तक उन्हीं को नेता मानूंगा। रह गई महागठबंधन की बात, तो जहां तक अभी हमें 100% बनाएगा तो मैं तो छोटा खर्च करता हूं, मैं कैसे कर सकता हूं। लेकिन जो आपका कहना है उसके अनुसार नज़र आ रहा है कि बड़ी पार्टी तो राजद है और राजद से तेजस्वी यादव ही सबसे बड़े नेता हैं, तो उम्मीद है कि वही होंगे। वैसे मैं ऑफिशियली कुछ कह नहीं सकता हूं, जो सभी लोगों का मीटिंग में तय होगा वही हमारे भी नेता होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण शर्मा जी। बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ प्रवीण शर्मा थे, इनका अपना दावा है, ये अपनी दावा कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस सरकार में लूट हुई है, पूरी तरह से सिस्टम लाचार दिखाई देती है। अगर इन्हें मौका मिलता है तो ये घोसी के रूपरेखा को बदलने का प्रयास करेंगे, जो काम नहीं हुआ है उसे करने का प्रयास करेंगे। लेकिन टिकट किसे मिलेगी, विधानसभा कौन जाएंगे, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल जो अपनी दावेदारी या फिर जो अपनी उम्मीदवारी देख रहे हैं वो हर कोई अपने अपने क्षेत्र में नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं। इनके पिता और ये भी लगातार घोसी में बने हुए हैं। इन्होंने तो साफ नहीं कहा कि किस तरीके की तैयारी है, लेकिन जो जहानाबाद के या घोसी के लोग हैं उनका कहना है कि प्रवीण शर्मा अंदर ही अंदर बूथ लेवल तक अपनी कमेटी मजबूत कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी करने के स्थिति में हैं। लेकिन सच्चाई क्या है यह तो थोड़ी दिन बाद पता चलेगा। बिहार लाइव 7 आपको लगातार किसी अन्य शख्सियत से मुलाकात कराकर चुनावी चर्चा में क्या कुछ बात है, क्या इस तरीके की सरगर्मी है, इन सारी बातों को जानने का प्रयास करेगी। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। शिक्षकों के सम्मान में बिहार लाइव 7 शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर से एक खास संध्या न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें आपको दिन भर की हर खबर से एक साथ रूबरू कराएगी।